गोल्ड प्राइसेस नहीं जाते हुए। तो इनफैक्ट वो मैसेजिंग क्या है उसको लेकर ऑफ कोर्स सवाल उभरते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जैसे अनुज ने कहा कि मार्केट्स में एक रिएक्शन जरूर आया है। अब यहाँ करंट लेवल से कितनी रिकवरी आएगी वी रियली डोंट नो, लेकिन जो ड्रैगर्स हैं वो क्लियरली आपके सारे जो पहले भागे हुए काउंटर्स थे उन्हीं में सबसे पहला, वो तो वो सबसे इजी ट्रेड था। बिल्कुल हर्षदा, आप वैसे रिकवरी भी अच्छी खासी आ रही है। मधु केला जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं एक बार। मधु भाई गुड आफ्टरनून, थोड़ा सा मार्केट को शॉक लगा, गुड आफ्टरनून, थोड़ा मार्केट को शॉक लगा ये कैपिटल गेंस टैक्स से, लेकिन रिकवरी भी उतनी फास्ट आ रही है, आपके हिसाब से क्या रहा हाईलाइट? थोड़ा अनुज भाई बेसिकली मुझे ये लगता है कि मार्केट के लिए ये छोटा अनएक्सपेक्टेड इवेंट था, बिकॉज अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि मार्केट में गवर्नमेंट का जो फिस्कल सिचुएशन था बिफोर बजट में जाने के पहले, मे बी इट इज द स्ट्रांगेस्ट आई हैव सीन इन 30 इयर्स ऑफ माय करियर, जहाँ पे कि यू नो गवर्नमेंट का बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन था। तो मुझे लगता है मार्केट में कोई भी आदमी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ेंगे। उसके साथ थोड़ा एसटीटी भी बढ़ा है, एंड ये जो बायबैक के ऊपर जो टैक्सेशन है, वेदर कंपनी वाले भी पे करेंगे और इंडिविजुअल जिसके हाथ में आएगा वो भी पे करेगा, उसका भी क्लैरिटी बाकी है। बट ऑन द होल थोड़ा टैक्सेशन का बर्डन स्टॉक मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के ऊपर बढ़ा है। पर अनुज हमने देखा है यू नो कि मैं तो 25-30 साल से कितने बजट देख चुका हूं, अल्टीमेटली टैक्स तो आपकी इनकम के ऊपर है। अगर मार्केट अच्छा रहेगा, इकोनॉमी अच्छी रहेगी, कंपनी अगर प्रॉफिट बनाएगी, तो अल्टीमेटली अगर आप कमाओगे उसके ऊपर ही टैक्स भरोगे। तो इसमें ज्यादा लंबे अवधि के लिए इनका लास्टिंग इम्पैक्ट मार्केट्स के ऊपर होता नहीं है। और मैं अगर मैं बजट को पूरी तरीके से एनालाइज करूं अच्छी प्रकार से, तो काफी सारे लॉन्ग स्टैंडिंग पेंडिंग इश्यूज स्पेसिफिकली ऑन एग्रीकल्चर और जॉब क्रिएशन के ऊपर गवर्नमेंट ने काफी एफर्ट किया है और काफी एलोकेशन है, जो इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा आर्ग्यू करते हैं। और थर्ड अनुज, ये सब करने के लिए उन्होंने एक जो फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ है वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगेन वो एक स्टॉक मार्केट के लिए लॉन्गर टर्म अच्छी चीज है कि आपने 5.1 का 4.9 किया है और फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि अगले साल हम 4.5 या उससे नीचे का एम करेंगे। सो ऑन द होल मैं अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, तो ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जो बढ़ोतरी हुई है उसके ऊपर बहुत लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में बहुत इम्पैक्ट नहीं है। मार्केट आपको और मेरे को पता है थोड़े हैवी थे और यू नो एक्सपेक्टेशन इस टाइप की नहीं थी, और थोड़ा मार्केट में बिल्डअप चल ही रहा है लास्ट यू नो काफी महीनों से मार्केट काफी उछला हुआ है, तो थोड़ा एक करेक्शन का बहाना चाहिए था, वो हो गया मेरे हिसाब से। बट ये कोई लॉन्ग टर्म स्टोरी को डिरेल कर देगा या बहुत ज्यादा सेंटिमेंटली बहुत निगेटिव हो जाएगा मार्केट के लिए, ये मुझे नहीं लगता है। मधु भाई एक जो रिस्क लग रहा है कि क्या आगे जाते हुए, अब ये सिर्फ एक शुरुआत है, अभी 10 का 12.5 किया है कि और शॉर्ट टर्म को 15 से 20 किया है, अगला स्टेप अब शॉर्ट टर्म को 20 से 30 ले जाकर वो बिजनेस मतलब वो मार्जिनल रेट में क्लब कर दें और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को भी बढ़ाकर अगर 20% पर ले आए, तो कहीं ना कहीं मार्केट को इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा कि ये इवेंचुअली आगे और भी बढ़ेगा, क्योंकि इसी रजीम में पहली बार ये मतलब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एबोलिश हुआ तो वापस रीइंट्रोड्यूस हुआ और शॉर्ट टर्म बढ़ा। अनुज भाई आज हाँ प्लीज बोलिए, मधु भाई सुन रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं मेरे को आ रही है आपकी आवाज, बताइए। तो शुभ शुभ बोलो यार आज तो शुभ शुभ बोलते हैं अभी तो ऐसा कोई अंदेशा अभी नहीं, डाउट करते हैं कि ये उस तरफ जा रहा है। अगर आप देखोगे कि यही सरकार में 10% हुआ था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और 5 साल के बाद उन्होंने चेंज किया है, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा रीड नहीं करूंगा कि ये 20 का 30% हो जाएगा या 10 का 12.5 का 20% हो जाएगा। आने वाला वक्त बताएगा कि ओवरऑल गवर्नमेंट की फिस्कल सिचुएशन कैसे रहती है और मार्केट्स का रुख भी कैसा रहता है। आई एम श्योर ये टैक्सेशन चेंजेस उसके ऊपर होंगे। पर एक चीज जो अनुज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने जो दूसरे इनकम टैक्स के दायरों को इतना सिंप्लीफाई किया है ना, काफी सारी चीजें फाइन प्रिंट में पता चलेगी। सो ऑन द होल मैं इसको अभी एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहूंगा अनुज की, ये आगे जाके रियली में आप जो बोल रहे हो
आई होप दैट इज नॉट राइट, क्योंकि उसमें भी मेरिट है कि पहली बार इन्होंने ये टैक्सेशन को टिंकर किया है, तो आगे जाके और बढ़ा सकते हैं क्या? मैं सिर्फ होप और प्रे करूंगा कि मार्केट अभी भी एक डेवलपमेंटल स्टेज पे है, रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी मार्केट में आ रहे हैं, और अनुज हम कम टैक्सेशन नहीं पे करते यार, बायबैक के ऊपर टैक्सेशन है, डिविडेंड के ऊपर टैक्सेशन है, इनकम टैक्स है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एसटीटी, और उसके ऊपर मेरी जो इनकम और दूसरी होती है उसके ऊपर भी टैक्स भरता हूँ। तो आई होप एंड प्रे कि ये टैक्सेशन और लंबे ना हो, क्योंकि मुझे याद है जब हमने ये एसटीटी इंट्रोड्यूस किया था तो उस समय अंदेशा यही था कि हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म करना चाहते हैं, और इसी से लिए ये एसटीटी आया था। तो इस बजट में तो एसटीटी भी बढ़ गया, शॉर्ट टर्म भी बढ़ गया और लॉन्ग टर्म भी बढ़ गया।